जुमुन नृत्य एक ऐसा नृत्य जिसने हर बार अपनी पहचान बनाई है आदिवासियों के साथ और उनकी खुशियों के साथ, लेकिन क्या इस बार राजनीति के बीच में कई बातें पिछड़ जा रही हैं। मैं इस समय हूँ झाड़ग्राम में। इस खास पेशकश में आपको बता दें झाड़ग्राम की आपको बात करेंगे, बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी क्या चाहती है, तृणमूल कांग्रेस क्या चाहती है, CPIM या कांग्रेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। इस डांस ट्रूप ने आपको नृत्य करके ये तो बता दिया कि नृत्य के जरिए ये एक उत्सव है, लेकिन आपको एक खास बात बता दें, ये लड़कियां नए जमाने की हैं, इसलिए इन साड़ियों पे भी एक खास बात है, जीन्स के ऊपर साड़ी पहन रखी है। क्या खासियत है इस साड़ी की और कैसे कर रखी है इसकी पूरी बनावट की पलटवारी, बताइए कैसे कैसे चेंज किया है इसको। हम तो ऐसे ही पहन कर लिए जींस के ऊपर, इसके ऊपर रैप कर लिया, क्या खासियत है, अलग कैसे कर दिया इसको अलग, मतलब जो पहनते हैं ना ऊपर क्या होता है, पेटीकोट के ऊपर जैसे पहनते हैं वैसे ही ये सब जींस, मतलब कोई हम लोग जब डांस करते हैं तो स्लैक्स के ऊपर ही नॉर्मली हम साड़ी पहनते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, साड़ी अटक नहीं जाए, तो बस वही। ये क्या ज्वेलरी वगैरह जो रखते हैं इसको कितना अंदाजे बयां, कैसे इसको एंजॉय करते हैं, क्या मन एंजॉय कर रहे हैं? बेस भालो, बहुत अच्छा। खास बात क्या रहती है? हम लोग नॉर्मली हैंडमेड ज्वेलरी पहनते हैं, मतलब जो पहनते हैं वो हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग बना के फिर पहनते हैं। ज्यादा नहीं, ये नहीं पहना, ये सब नहीं बनाए हैं, और जो ज्वेलरी है सब हम लोग खुद बनाते हैं। ज्यादा मजा आता है, मतलब हम जब बनाने में बहुत मजा आता है, वो पहनने भी बहुत। कितने लोगों से आप इनकी टीचर हैं मैडम, ये बताइए क्या खासियत रहती है और क्या क्या इंजॉय करते हैं, क्या क्या ध्यान में रखते हैं इनके लिए, इनके नीरे पत्तक के लिए और इनका एडुकेशन के लिए, इसका स्वास्थ्य हेल्थ, इसका अगर कुछ भविष्य बन जाए इसके लिए हम शामिल। समय सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर झाड़ग्राम में? लेडीज ट्रेन का तो सबसे बड़ा यातायात के सुरक्षा के लिए लेडीज ट्रेन सबसे आगे चाहिए, सबसे आगे चाहिए। चलिए जनता में पूछ लेते हैं, आप इसके साथ साथ हमारे साथ सब जुड़े हैं लोग, तृणमूल कांग्रेस से हैं श्यामल बेरा हमारे साथ, मैं सतपति जी हैं इस बार उम्मीदवार है बीजेपी से, साथ ही साथ मधुजा है, मधुजा भी उम्मीदवार है CPIM से, और शुभदा है कांग्रेस से। आप ही से शुरू करते हैं कि क्या है इस बार खास और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा, क्या भीड़ कम रह गई अमित शाह की रैली में, इस पर सवाल उठ रहे हैं। माइक्रोफोन कोई एकटाई व्यापार होते जे बीजेपी ओखाने लोक हलो कि हलो ना, लोक तो होयेछे किन्तु हलो ना, एटा TMC एबं CPIM-এর মাথা ব্যথার কারণটা কি না বুঝতে পারি না। TMC-র মাথা ব্যথার কোনো কারণ হওয়ার কারণ নেই, কারণ বিজেপির লোক হলো কি হলো না, এটা বিজেপির লোক আছে কি নেই সেটা লোকসভাতে লোক মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, মানুষ লোকসভা জেনে গেছে। বড় বাত হয় দরাসল দিলচস্প বাত ইয়ে হ্যায় কি লোকসভা মে ঝাড়গ্রাম বিজেপি কে পাস হ্যায় লেকিন চার বিধায়ক সিটে তৃণমূল কংগ্রেস কে পাস হ্যায়, ইস বার রহেঙ্গি আপকে পাস ইয়ে সিট? রহেঙ্গি, চার সিটে ভি জিতেঙ্গি, চার সিট মে জো হ্যায় চার সিট মে জিতেঙ্গি। আর জো আমারে প্রশ্ন আছে আমার, যে ডিজেল পেট্রোল গ্যাস এবং রেলের যে অবস্থা এটা কেন হচ্ছে? আপ কিসান আন্দোলন মে কিসানো কে সাথ কিউ দিখ রহে, টিকেট সাহেব কে সাথ কিউ দিখ রহে, তৃণমূল কংগ্রেস কে নেই আসছে না, কিসান আন্দোলন কেন প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছে না এবং কেন তাদের সলভ করছে না, দিনের পর দিন ওখানে অবস্থান করে বসে আছে আন্দোলন করছে, এর জবাব দিক। তো আপকো লাগতা হ্যায় কি সারে মুদ্দে খো গয়ে হ্যায় আন্দোলন আপকা, তৃণমূল কংগ্রেস লেকে যা রহি হ্যায় বঙ্গাল মে? नहीं, लेके जा रहे के कोई सवाल नहीं है, इसके पहले हम लोग देखे थे कि जेएनयू के जब ठीक है, जेएनयू में जब हम लोग देखे थे कि जेएनयू में जब आंदोलन हुए थे तब भी हम लोग देखे थे कि वो तृणमूल कांग्रेस गए थे वहां पे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वहां पे जाने के बाद भी वो लोग घुसने नहीं दिया, तो तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, इसको लेके कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उम्मीदवार मेरे साथ लड़ रहे हैं सुकुमार दा जो बोले हैं कि बीजेपी में बीजेपी का लोग है कि नहीं है, इसको लेके CPIM के क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है कांग्रेस तृणमूल का क्या मुद्दा है, और तृणमूल लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक बात बोल सकते हैं, कुछ देर पहले यहाँ पे जो समर्थक लोग हैं बीजेपी के, जो जय श्रीराम ध्वनि देने वाला है, उसमें से कोई बोल रहे थे कि 7% है हम लोग है, तो उसका जरूरत पड़े हम लोगों को लेके सोचने का, तो हम लोग की भी जरूरत पड़ेंगे। तो आप ये बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है, या जो हेलीकॉप्टर की बात हो रही है कि हेलीकॉप्टर उतरा नहीं, इसलिए क्या कारण थे कि उसमें टेक्निकल स्नैग हो गया था, इस बात से आप वास्तव रखती हैं?
लेकिन ये टेक्निकल क्लिक जो है ना, ये बार बार हो रहा है बीजेपी के साथ झाड़ग्राम में। इसके पहले जेपी नड्डा का जो रैली हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ था। जेपी नड्डा घूम के चले गए, जेपी नड्डा रैली में नहीं गए, वहाँ पे चेयर एकदम फाका था। है वो सब जनता जानती है। कांग्रेस भी बता दे, शुभदा आप भी बता दीजिए कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितना वास्तव रखते हैं। कौन सा हेलीकॉप्टर? तो ये मतलब एक ड्रामा है। उन्होंने यहाँ से नेताओं के पास अपना इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन देख रहा है कि चेयर में कोई नहीं है, एक भी मतलब उनका सपोर्टर आया नहीं, तो क्या किया उन्होंने, तो रैली को कैंसिल कर दिया। लेकिन आप जब बात करें किसानों की, तो टिकैत साहब कभी इधर दिखते हैं कभी उधर दिखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों का कांग्रेस का जो स्टैंड है किसान के बारे में वो तो एकदम सही है। राहुल गांधी जी पहले ही एकदम शुरुआत में ही उन्होंने ट्रैक्टर रैली कर दिया थे, तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट है इसमें। और ये तो कॉरपोरेट को, जस्ट कॉरपोरेट के लिए ही ये जो बिल लागू हो रहा है, ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए और कुछ नहीं है, कॉरपोरेट के लिए। लेकिन जनता इसका जवाब देगी, झाड़ग्राम की जनता खास तौर से जो जानना चाहती है कि आखिरकार कौन जीतेगा, क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका आखिरी फैसला जनता के हाथ में है। कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, झाड़ग्राम, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।